खुद इंतजाम लगा रहे थे। जब देश के सभी लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी और सब लोग गोलबंद कर रहे हैं तो ये लोग परिवारवाद का आरोप लगा रहे थे। हम ज्यादा कुछ नहीं, जो फैक्ट है, जो रिकॉर्ड है वो समक्ष रखना चाहते हैं कि बीजेपी में, एनडीए में कितना परिवारवाद है। जो मोदी जी के साथ कैबिनेट में बैठते हैं, अनुराग ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बेटे हैं मोदी, दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया, माधवराव सिंधिया के बेटे हैं मोदी कैबिनेट मंत्री, किरण रिजिजू, पूर्व विधायक प्रोटेम स्पीकर रिंचिन खारू के बेटे हैं मोदी, वो भी कैबिनेट मंत्री है मोदी, एक और कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल है मोदी, वेद प्रकाश गोयल के बेटे हैं मोदी, एक और कैबिनेट मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मंत्री देवेंद्र प्रधान के बेटे हैं मोदी, एक और कैबिनेट मंत्री राजनाथ सिंह जी के बेटे पंकज सिंह, खुद भी विधायक है, केंद्र मंत्री अनुप्रिया पटेल, मंत्री के पति भी विधायक है महोदय, आपके मिनिस्टर राव इंद्रजीत सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं, भारतीय प्रवीण पवार, पूर्व विधायक अर्जुन पवार की पत्नी है, आपके कैबिनेट मंत्री नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे जो है वो विधायक है महोदय, बंगाल में इनके नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी पूर्व केंद्र मंत्री शिशिर अधिकारी के बेटे हैं, इनके मंत्री राव साहेब धनवे के बेटे संतोष धनवे विधायक है, आपके सांसद रविशंकर प्रसाद जनसंघ नेता ठाकुर प्रसाद जी के बेटे हैं, आपके डिप्टी सीएम देवेंद्र फर्नांडिस के पिता गंगाधर फर्नांडिस पूर्व एमएलसी रहे महोदय, इनके सांसद विवेक ठाकुर के पिता केंद्र मंत्री सीपी ठाकुर जी महोदय, सांसद अशोक यादव उनके पिता हुकुमदेव नारायण यादव, इन सांसद संजय जायसवाल उनके पिता जो है मदन जायसवाल, 18 नंबर 18 नीरज शेखर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे, नंबर 19 सांसद पंकजा मुंडा पूर्व केंद्र मंत्री गोपीनाथ मुंडे की बेटी, कैलाश विजयवर्गीय का बेटा आकाश विजयवर्गीय विधायक है महोदय, रीता बहुगुणा पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की बेटी है महोदय, जितेंद्र प्रसाद के बेटे जितिन प्रसाद वहां मंत्री है महोदय, आपके सांसद राजवीर सिंह उनके पिता कल्याण सिंह पूर्व मुख्यमंत्री रहे और उनके बेटा भी मंत्री है महोदय, आपके सांसद प्रवेश वर्मा साहेब सिंह वर्मा के बेटे सांसद है महोदय, सांसद पूनम महाजन प्रमोद महाजन जी की बेटी है महोदय, रवि सुब्रमण्यम के भतीजे तेजस्वी सूर्या आपके सांसद है महोदय बीजेपी से, अभिषेक सिंह पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे, बी वाई राघवेंद्र पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा के बेटे, जयंत सिन्हा पूर्व केंद्र मंत्री यशवंत सिन्हा के बेटे, लेट विजय राजे सिंधिया की बेटी वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री रही है महोदय, सांसद दुष्यंत सिंह पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे, महाराष्ट्र के मंत्री राधाकृष्ण विखे पटेल के सूर्य विखे पटेल जो है वो सांसद है महोदय, तो इस हिसाब से ये पूरा परिवारवाद। अब बिहार में अगर बात करें तो नितिन नवीन जी कौन है बता दीजिए, श्रेयसी सिंह कौन है वो बता दीजिए, नीरज सिंह कौन है बता दीजिए, उनकी वाइफ जो है वो भी क्या है वो भी बता दीजिए, नीतीश मिश्रा जी क्या है वो भी बता दीजिए, वैसे तो चारा घोटाला करते थे लेकिन वो भी आरोपी रहे महोदय, उनके बेटा को इन्होंने टिकट दिया तो ये आरोप मुक्त हो जाते हैं महोदय, राणा रणधीर जी महोदय, स्वर्णा सिंह महोदय पुत्र वधू सुनील सिंह एक्स-एमपी, इनके जो प्रतिपक्ष के नेता है विधान परिषद में वो किनके बेटा है जो इनके प्रदेश अध्यक्ष है, तो ये परिवारवाद इन लोगों को महोदय नजर नहीं आता। लेकिन आप देखिएगा महोदय कि बीजेपी जो है, हम कहना चाहते हैं इसका मतलब कि लॉन्ड्री पार्टी ऑफ इंडिया जो वॉशिंग और ड्राई का काम करती है, ये देश का मतलब एक तरह से लॉन्ड्री का काम कर रहा है, द करप्शन ऑफ करप्ट, क्राइम ऑफ क्रिमिनल्स एंड सिंस ऑफ कम्युनल पीपल,
मतलब एक तरह से आप समझिए जो भ्रष्ट है उसका भ्रष्टाचार का सफाई कर देता है, बीजेपी में चले जाइए तो, जो क्रिमिनल है उसके क्राइम का सफाई कर देता है महोदय, फिर वो क्रिमिनल नहीं रहता, और जो कम्युनल है सांप्रदायिकता जो फैलाता है उसको भी जो है मुक्त कर देता है बीजेपी का। यानी जो लॉन्ड्री की कंपनी है वो केवल सफाई करता है। हमसे इस्तीफा का तो मांग कर ही रहे हैं लोग महोदय, लेकिन दूसरी तरफ अभी अजीत पवार जी कौन थे, छगन भुजबल कौन थे और प्रफुल्ल पटेल कौन थे, कितना बार आए और गए, केस खत्म हो गया, बंद हो गया, खुल गया, इधर आए तो केस जो है बंद हो जाता है, उधर चले जाते तो केस खुल जाता है, अब उधर चले गए हैं तो डिप्टी सीएम बना दिया गया, उनको माला पहना करके स्वागत किया जा रहा है और हम पे आरोप लगा रहे, बताइए कब का आरोप है। खैर इस पे हमको क्या बताना, देश की जनता ने देखा है। कोना पहला चार्जशीट 17 में हुआ था, 20 का चुनाव हम अकेले लड़े, महागठबंधन के साथियों के साथ लड़े, और सबसे बड़ी पार्टी बिहार की जनता ने राष्ट्रीय जनता दल को बनाने का काम किया, सबसे ज्यादा ताकत हमको देने का काम किया, जब जनता की अदालत ने सबसे बड़ी पार्टी हमको बनाया तो हमको किस बात का चिंता महोदय, जनता